मिनिस्टर महोदय को हम एक ज्ञापन लेके आए जिसके अंतर्गत जो पुलिया बनाई है उस पुलिया को पिछले 3 वर्षों से स्मार्ट सिटी के तहत जो हमारे एस्केप चैनल के नाले का कार्य किया जा रहा है, पूर्व में भी हमने अवगत करा चुके हैं, मगर एस्केप चैनल के ठेकेदार अधिकारियों के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है। अब कुछ समय पूर्व, मुश्किल से महीना भर हुआ होगा, जब कुछ बैरिकेड्स हटा के हमने देखा तो वो जो पुलिया थी वो मकानों से भी इतनी हाइट के अंदर चले गए कि सारे मकान नीचे दब गए। तो आज उसी के लिए माननीय कलेक्टर महोदय को हम एक ज्ञापन लेके आए जिसके अंतर्गत जो पुलिया बनाई है उस पुलिया को पुनः नीचे करा जाए जिससे आम जन को इसकी सुविधा मिल सके। ये सुविधा नहीं, दुविधा बन गई है। जिस प्रकार स्मार्ट सिटी के तहत इतने पैसों का दुरुपयोग किया जा रहा है और आज वर्तमान में 3 साल हो चुके हैं और आज उस काम को भी उन्होंने पूरा नहीं किया गया है। तो माननीय कलेक्टर महोदय से निवेदन करने आए कि जो हमारे जिस प्रकार जो नुकसान हो रहा है उस नुकसान को आगे कोई नुकसान नहीं हो तो इसलिए उसका पुनः सही ढंग से पुलिया का निर्माण किया जाए। क्या जवाब मिला आपको? अभी अब कलेक्टर साहब को जाएंगे अब देने, अभी कलेक्टर साहब की मीटिंग चल रही है उससे संबंधित। वार्ड नंबर 57 है नगर उन तीनों के एक जॉइंट वो है, तोपदड़ा ग्राउंड के पास के अंदर है ये, वो तीनों ही उसके अंदर वार्ड लगते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो वहाँ गुजरते हैं तोपदड़ा, ज्योति नगर, पटेल नगर, धोबीघाट रोड, वो पूरा मेन रोड है। 10 से 15 हज़ार व्यक्ति डेली वहाँ से आना जाना होता है उसके अंदर। रणजीत सिंह, पार्षद, वार्ड नंबर 57।